नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां आज हम सरसों का भाव लेने के लिए व्यापारी के यहां पहुंचे हैं। लगातार मार्केट टाइम टीवी की जो टीम है वो लगातार अपने दर्शकों को मंडी के भाव से लगातार रूबरू करा रही है। लगातार मार्केट टाइम टीवी के जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार राजस्थान प्रदेश और देश की मंडियों में जाकर लगातार जो भी जिन्स मंडी में आ रही है सभी का भाव अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हम इस समय कृषि उपज मंडी में मौजूद है, जहां लगातार मंडी के अंदर सरसों की आवक जोरों पर है। जहां देखो वहीं मंडी में चारों तरफ सरसों के ढेर नजर आ रहे हैं। किसानों के चेहरों पर खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। किसान अपने खेत से लगातार सरसों की फसल लेकर मंडी में पहुंच रहा है, लेकिन उसको पिछले साल की जो फसल में जो पैसा मिला था उतना ही अब इस समय मिल पा रहा है। अब हमारे साथ में मंडी के जो व्यापारी हैं अनिल कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि लगातार मंडी में कितनी सरसों की आवक हो रही है, कल कितनी थी और आज कितनी है। सर, क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष केडलगंज व्यापारी संचालन समिति अलवर। सर, मंडी में आज कितनी आवक है, क्या भाव है? सरसों में आमद करीबन 18 से 20 हज़ार कट्टे के आसपास है, जो कि नीचे में सरसों मोक्षर वाली तो 46-47 सौ रुपये बिक रही है, ऊपर में 51-52 सौ रुपये तक की सरसों बिक रही है। अभी जो सरसों आ रही है किस तरह की क्वालिटी में आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ कहाँ मिलों में जा रही है? ये सरसों अपने अलवर जिले के आसपास की सभी सरसों आ रही है, हमारे किसान भाइयों के पास काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है, अच्छा तेल है और अलवर के MIA के आसपास की फैक्ट्रियों में ही जा रहा है। अभी यह जो सालाना मंडी में कितनी सरसों की जो है वो आवक हो जाती है? सालाना तो बता नहीं पाऊंगा, बाकी 18 से 20 हज़ार बोरी रोजाना की आ रही है, तो सालाना में तो करीबन गणित लगा लो 365 गुणा में 10 की भी ले तो 3.65 करोड़ बोरी के आसपास की आमद साल में। कल कितना भाव था मंडी में सरसों का? कल भी यही भाव था, 18 से 20 हज़ार बोरी की आमद थी और 4700 के 51.5 रुपये के आसपास के भाव कल भी थे। और कल कितनी आवक थी? कल भी करीबन 17 से 20 हज़ार बोरी के आसपास की आमद है। तो ये उतार चढ़ाव को क्या कारण जो है क्या मानते हैं आप? ये तो देखो जी, कुछ ग्राहकी के ऊपर भी होता है, जैसे आज बाजार कुछ 50 रुपये तेज है, जैसे अपने गोयल कोटा है, अपने सलोनी है, इनके बाजार से भी कुछ डिपेंड करता है अपने यहाँ मार्केट। जो यहाँ का जो मील में जो तेल तैयार होता है वो कहाँ कहाँ जाता है और यहाँ की जो सरसों है वो कौन कौन सी मीलों में जा रही है? अपने यहाँ अलवर के में करीबन 20 से 30 हज़ार बोरी के आसपास की इसकी मीलें हैं और इतनी ही आमद है, तो यहाँ मील अलवर में ही इनका माल जाता है, अलवर के आसपास ही जा रहा है। अभी किस तरह की सरसों की क्वालिटी यहाँ देखने को मिल रही है मंडी? यहाँ की क्वालिटी तो इस साल पिछले साल से तो अच्छी क्वालिटी है और तेल भी नीचे में 40 ऊपर में 43-44 तक भी तेल अपने यहाँ आ रहा है। तो मॉइस्चर कितना नजर आ रहा है? मोक्षर इस टाइम तो मोक्षर ना बराबर आ रहा है, बाकी सब ज्यादातर किसान भाई सुखा के लेकर आ रहे हैं और सूखी सरसों के अच्छे भाव किसान भाइयों को मिल भी रहे हैं। तो अभी मंडी में फिलहाल सरसों ही है या और भी कोई आवक हो रही है और कोई जिन्स की? अभी तो सरसों की आमद मेन है, बाकी आज जो भी आए हैं, जो के भाव भी आज 1800 से लेकर 1850 के आसपास मोक्षर का जो बिका भी है। ये हमारे साथ में मौजूद थे अनिल कुमार जी व्यापारी, उन्होंने हमको बताया कि लगातार यह सरसों की आवक हो रही है, अच्छे भाव मिल रहे हैं, बस उतार चढ़ाव जो है वो लगातार बना रहता है। अब हमारे साथ में यहाँ पर जो किसान भाई है जो सरसों की फसल लेकर आए हैं, अब उनसे जानना चाहेंगे। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? दिल्लू मेरना साहब, मौजपुर का रहने वाला। कौन से गांव से आए? मौजपुर से। कितने कट्टे मंडी में लेकर आए आज? मैं लाया हूँ 75 कट्टा। क्या भाव मिला है आज? 49.5। कितने बीघा में सरसों करी थी आपने? सरसों करी है हमने 17-15-16 बीघा। कितना उत्पादन हुआ है फिलहाल? यही बैठ 13-14 मण को बीघो, कोई में 18 मण को बैठ जाए। लागत क्या बैठ गई थी आपकी? लागत तो भाई बैठ ही जावे 8-7 हज़ार बीघो की। तो कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो पा रहा? हो तो रहा है पर दाम ऐसा ही सही मिल जाए कभी ना मिले। आज क्या भाव मिले आपको? 49.5। अच्छा, तो ये नमी भी आ रही है सरसों के अंदर, क्या ज्यादा करके तो 8-9 गील आ रही है। अच्छा, हमारे साथ में यहाँ किसान भाई थे वो बिल्कुल मौजूद थे, उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर हम सरसों लगातार लेकर पहुंच रहे हैं, यहाँ उनको एक अच्छा भाव भी मिल रहा है और अभी यहाँ जो है सरसों की जो खरीद है वो भी शुरू नहीं हो पाई है,
अब हम हमारे पीछे दिखाना चाहेंगे किस तरह यहाँ सरसों के ढेर लग रहे हैं, सरसों के ढेर यहाँ लगे हुए हैं सड़कों पर, उसके बाद में बोरी जो है वो तुलाई होती है, पैक होती है, फिर यहाँ से क्या है कि ये भरा जाता है, फिर ये मिलों में जाता है, वहाँ तेल तैयार होता है, उसके बाद में ये जो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की ये जो सरसों है किस तरह की क्वालिटी में है। काफी अच्छी क्वालिटी की ये सरसों मंडी के अंदर आ रही है और किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है क्योंकि एक उनको अच्छा भाव मंडी के अंदर मिल रहा है। फिलहाल अभी मंडी के अंदर 2 महीने तक सरसों की आवक बनी रहेगी। नितिन शर्मा, अलवर।